देखो ये वाला समझो, इफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग वाई डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग जेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, देन सो देन एक्स वाई जेड इक्वल टू वन। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड प्लस करने से वन होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस देखिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग वाई डिवाइडेड बाय जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग जेड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू हम लोग के ले लेते हैं, के से लेट ले लिया हम लोग, ठीक है ना, या लेट भी लिख सकता हम लोग, के ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये तीन आइटम है, थ्री आइटम है यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल ले लिया तो सबका इक्वल हम लोग के ले लिया, हम लोग एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर अब इसके साथ जब हम के लेगा, इट मींस log x डिवाइड बाय y माइनस जेड इक्वल टू के, ये वाला पार्ट को फुल जाओ, ये वाला मिडिल को, ये दिस इक्वल टू के सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम सबको मिलेगा, log x इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय y माइनस जेड, अगेन हियर log y इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय z माइनस x, अगेन हियर log z इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y। ये तीन इक्वेशन हम बना लिया, यहां पे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नाउ यू सी हियर, अब देखो हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 इस तीनों इक्वेशन को हमको प्लस करना है। अगर हम 3 इक्वेशन को प्लस करेगा तो यहां पे होगा log x प्लस log y प्लस log z, लेफ्ट हैंड साइड सारा प्लस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में प्लस होगा यहां पे k मल्टीप्लाइड बाय y माइनस z प्लस k मल्टीप्लाइड बाय z माइनस x प्लस k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y। ये जो इक्वेशन है ये हम लोग यहां ले लिया, ठीक है ना, प्लस हो गया लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में प्लस हो गया। अब हम लोग को यहां पे क्या करना है, यू सी हियर ये log x प्लस log y प्लस log z, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, log x y z, क्योंकि log a b इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, log a b इक्वल टू log a प्लस log b, तो यहां पे log एक्स वाई जेड सब प्लस में ना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस जेड, इसको अगर हम लोग कॉम्बाइन करेगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक बार प्रॉब्लम। अब यहाँ से के कॉमन ले लेता है तो के कॉमन लेने से क्या बचेगा, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। नाउ यू सी वाई वाई कैंसिल, सॉरी ये वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है ना। इट मीन्स लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू के इन टू, ये सबको मल्टी सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, सब कैंसिल मतलब जीरो हो गया, के इन टू जीरो। सो हियर लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर जीरो, ठीक है ना। अब यहां लिखेगा हम लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू, नाउ यू सी लॉग वन इज इक्वल टू जीरो, लॉग वन का वैल्यू जीरो ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है ना, लॉग वन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हम जीरो की जगह लॉग वन डाला क्योंकि ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड लॉग लॉग कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू वन, देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू वन। और हमको यही प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू वन, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया इक्वेशन।